हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और आपका जो गेट का एग्ज़ाम है वो भी अच्छा गया होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स। हेयर इज असाइनमेंट 3 एंड ड्यू डेट इज 15 फरवरी। सो कुछ ही टाइम बाकी है, इसको पहले करते हैं। और आज ही के इस वीडियो में हम असाइनमेंट 4 भी करेंगे, सो वॉच करते रहें। और पहला क्वेश्चन, इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो मैंने पहले से किया हुआ है। सो इसका आंसर मैं आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, 8.72 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से न्यूमेरिकल है और उसमें इसने पूछा है एफिशिएंसी अगर 100% हो तो इसने साइज ऑफ पार्टिकल पूछा है, वो है 0.138 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टच द सीवेज फ्लो ड्रेन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और आप जल्दी जल्दी से इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रीन्स एंड दियर पर्पस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो स्क्रीन का पर्पस इसने पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड इसके ये दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रिड रिमूवल। फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाने हैं, वो बी और सी दोनों हैं। ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, सो इसलिए डबल आंसर हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें उसने पूछा था कि लेंथ ऑफ द टैंक क्या होगा। वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ इसने पूछा था 20.25, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेंट विंसेंट टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, किससे इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट फॉर्मूला है पीक फैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉन स्पेकल पार्टिकल विल सेटल स्लोअर देन द स्पेकल पार्टिकल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका, सॉरी, असाइनमेंट 3 कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, उससे पहले जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 4 ये रहा, इसकी ड्यू डेट है 22 फरवरी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इससे पहले एक और एक बात ये है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएं आपको। सॉल्यूशंस मींस जो न्यूमेरिकल हैं उनके सॉल्यूशन। ओके, सो वैसे भी वीडियो ये काफ़ी लंबी हो रही है, और अगर सॉल्यूशन भी अगर मैं इनका साथ के साथ आपको बताऊंगा तो और लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि वो जो सॉल्यूशंस हैं आपको एक एक्स्ट्रा अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, और जिसको भी इंटरेस्ट हो सॉल्यूशन देखने के लिए वो आए और उसको वॉच कर सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग जिनको सिर्फ आंसर चाहिए वो यहाँ से आंसर ले सकता है। ओके, सो अब देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक न्यूमेरिकल है इसका, इसने पूछा हुआ है, सारे डाटा दिया हुआ है, सिर्फ सेटलिंग वेलोसिटी पूछी हुई है। सेटलिंग वेलोसिटी है 56.20 mm/s। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्यूशन अभी नहीं आया है, और जैसे ही आएगा मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ तो इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसका आंसर है, ताकि बाकी लोग को इसका सोल्यूशन मिल जाए और वो भी वहाँ से दिख सकें, और वही करना जिसने किया है परफेक्टली, किसी का गलत ना हो जाए। ठीक है, ऐसे और कहीं खराब या गलत
आंसर ना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका इसने एफ बाई एम रेशियो पूछा हुआ है, ये एफ बाई एम रेशियो आया है 0.443, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा हुआ है वेस्ट वाटर हैज वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट विच कैन बी यूज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर सेल सिंथेसिस, सिलेक्ट द न्यूट्रिएंट्स विच आर कैटेगराइज्ड एज मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एक फास्फोरस होता है, एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बाकी जो ये तीन है, सल्फर, कैल्शियम एंड सोडियम, ये तीनों माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन एएसपी, आई थिंक ड्राइंग ऑफ द स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसने पूछा हुआ टोटल कैल्शियम नाइट्रोजन इन डोमेस्टिक सीवेज इज एक्सप्रेस इन mg पर लीटर एज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक एंड अमोनियम इन द सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज ए न्यूमेरिकल, और इसमें इसने क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है एमएलएसएस कंस्ट्रक्शन, तो इसको मैंने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद, इसका सॉल्यूशन करने के बाद, इसमें जो एमएलएसएस कंसंट्रेशन आया है वो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, हाँ एग्जैक्ट 2000 आया था, और ये 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन क्वेश्चन नंबर 9, जब आप देखोगे तो इसमें क्या है कि कुछ डाटा मेरे अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है, जैसे कि ये बॉक्सेस हैं, इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अगेन फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन नहीं था, इसका भी अभी नहीं आ पाया, तो जैसे ही इसका सोल्यूशन आएगा मैं फिर से कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और मुझे लगता है कि ये डाटा जो है ये अननोन, समझ नहीं आ रहा क्या किसके लिए दिया हुआ है। सो अगर फिर से किसी ने अगर इसका सोल्यूशन किसके पास हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ओके। और फिर तो अगर मुझसे हुआ तो फिर मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कोगुलेशन बेस्ड एनिमेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज पीएच ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सी सरफेस वॉटर फ्लूइड। आई थिंक ये तीनों ही फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप watching us and subscribe us and share this video with your friends, okay, thank you।